no doubts, weekends and... तो भाई लोग क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले मैं गया था बर्फ वाली दुकान पर, यानी मैं और मेरे टीममेट सारे बर्फ की दुकान पर ही आए थे, बोले तो आइसलैंड पर आए हुए थे। और यहाँ पर भाई कोई भी स्क्वाड नहीं थी, सो फटाक से हम लोग लूट मारते हैं और सीधा बंदों पे जाएंगे। कुछ शुभ काम करने से पहले मैं अपने बोट चाचा को मारता हूँ। और भाई ये लोग बोलते हैं किल चोर, तो भाई लोग बोट चाचा को फिनिश करते हैं फिर सीधा। और भैया जी कभी ऐसे बंदे टीममेट आपको ना मिले जो कि मुझे यार यहाँ अकेला छोड़ गए थे। और भाई सामने आपको बग्गी दिख रही है जो कि उसमें दो और दो चार बंदे थे, यानी कि दो बग्गी थी। तो भाई थैंक गॉड ये लोग नहीं आए, वरना मेरे ये बजा देते टपा टप टपा टप टपा टप। अब फाइट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती। एक बंदा जो कि स्टेडियम से ओपन पे आ रहा था, और भाई मैं भी ओपन था और वो भी ओपन पर, देखो उसका क्या हाल होता है। दिख गया होगा आपको बंदा, मैं दोबारा गया और उसको सस्ता दे दिया। और अब बारी है इसके दूसरे बंदे की जो आई थिंक छत पर था, उसको पहले फिनिश करते हैं। अब सीधा चलते हैं ऊपर छत पर। अब आप लोग बताना जो हमारे टीममेट थे नोव हैं या प्रो हैं या जो भी है, मैंने उनसे बोला था कि भाई गाड़ी आ चुकी है स्टेडियम पर एक और, पर नहीं, उन्होंने तो दूर वाले बंदे माने, पास वाले नहीं। देखो फिर क्या होता है। भैया जी बैंडेज से काम चलने वाला नहीं था, तो भाई सोच रहे थे कि मेडिकेट उठा लें। भाई मैंने सोचा मर जाएंगे कोई बात नहीं भाई, तो सबसे पहले मेडिकेट को लूटते हैं और लगाते हैं चिपका डालते हैं। हाँ अब जो सीन होगा वो मेरे टीममेट के साथ आप लोग ध्यान से देखना। एक बंदा हमारा नॉक हो चुका, सेंटर रोड की जो हिल थी वहाँ से मुझे हम लोगों को बहुत तगड़ी पड़ रही थी। भाई बंदा मुझे नहीं दिख रहा था क्योंकि वो सामने ही रिच पे था यार, और उसका हाई एडवांटेज था, तो भाई वो डैमेज बहुत जल्दी दे रहा था, पर कोई नहीं। तो भैया जी सबसे पहले हम दारू वारू थोड़ी पीते हैं क्योंकि नशा भी बहुत जरूरी होता है भाई, क्योंकि पबजी लाइट खेलना है तो भाई नशे जरूर। और भाई जैसे हम नशे कर रहे थे भैया मुझे सामने से दिख जाती है गाड़ी, मैं नेट सीधा खींचता और भाई फेंक देता हूँ। मुझे लगा बंदा यहाँ से आएंगे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं था। मैंने अपने टीममेट को भी बता दिया था एक गाड़ी जो है वो स्टेडियम पर आ चुकी है, पर नहीं। देखना हमारा जो एक नंबर है वो देखना कैसा भैया लेटा था, मतलब दूर के बंदों को मार रहा था, पास वाले बंदों को नहीं। देखना उसके साथ क्या होता है। सुन लिया मैंने बताया था, पर फिर भी नहीं। देखना एक नॉक, अब बारी है सेकंड बंदे की यानी मेरे टीममेट की। देख दूसरा भी नॉक हो चुका है आप देख सकते हैं। तो भाई देखना अब क्या ही क्लच। तो भैया जी इस स्क्वाड का एक बंदा मैं नॉक कर चुका हूँ, अब बारी है दूसरे बंदे की जो कि नॉक ही नहीं हो रहा था। पर ये नॉक नहीं, पर ये जो शूट वाला अब मैं सीधा जाता हूँ नीचे। और भाई ये सामने से कौन बंदा है, ये कहाँ रहता है, सामने से कौन होता है इसी के साथ। और ये स्क्वाड हो जाती है वाइप, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना यार। हाँ उससे पहले अगर ये वाला क्लच पसंद आया हो तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना यार, मतलब सपोर्ट तो करो यार प्यार से, सपोर्ट बरसाए रखो एकदम, मतलब ढेर सारी लाइक सब्सक्राइब मतलब बढ़वा दो यार, शेयर भी कर दिया करो यार, क्योंकि छोटे से स्टार्टिंग कर रहा हूँ यार, आप लोगों का प्यार चाहिए बस और कुछ नहीं। सीधा आते हैं ब्रोकन बाल के पीछे और देखते हैं सामने मुझे नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर स्विमिंग पूल पर मुझे बंदे दिख चुका था, वो आपस में लड़ रहे थे और भाई उसने उसको बैनेस पिक कर दिया था। बस यही है कि स्प्रे जो एक गोली थी वो अंदर हो जाता है नॉक वहीं, और फिनिश भी हो जाता है इसी के साथ, हो जाता है हमारा चिकन चिकन बोलते। तो गाइस अगर ये पसंद आया तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और हाँ शेयर तो जरूर कर देना यार। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।